हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कोइना मीडिया में। दोस्तों जैसे कि आज आपने थंबनेल देखा होगा दोस्तों, एक सिक्का लगा है जिसकी कीमत है दोस्तों, फ्लावर वाला डिजाइन है 2 रुपीज का, 20,000 रुपये का। तो दोस्तों बिल्कुल ये कॉइन 20,000 रुपये का है। और दोस्तों इसमें एक बात और लिखी है, न्यू जानकारी है उसके साथ दोस्तों, मिंट ने सिक्के छापे थे मगर सिक्का है दोस्तों आज की डेट में गायब। अब दोस्तों कौन सा सिक्का है जो मार्केट में है नहीं और बहुत ज्यादा वैल्यूबल है दोस्तों, वो कॉइन वो कौन सा है आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों उसकी खास वजह है, मैं आपको सब चीज वीडियो में बताऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। जैसे कि दोस्तों आपको पता था मैंने रेन ड्रॉप की जानकारी दी थी इस 2 रुपीज की, ठीक है। ये देखिए ऐसी दोस्तों आप लोगों ने कमेंट किया था, सर मिंट के हिसाब से बताइए कौन सा आम चलन में से हम लोगों को कलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। आज की डेट में आप कलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, फ्यूचर काफी ज्यादा रेयर है इनका कॉइन का, क्योंकि ये बन चुके हैं पहली, ठीक है। तो आज वही मैं इस फ्लावर वाले डिजाइन पे आपको जानकारी देने आया हूँ कि आप लोगों के पास ऐसे डिजाइन के भी हैं जैसे रेन ड्रॉप पे दी थी मिंट के हिसाब से, ऐसी दोस्तों मैं इस 2 रुपीज पे पूरी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ इस 2 रुपीज पे बात होने वाली है आज इस वीडियो में, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे सिक्के हैं तो दोस्तों मिंट के हिसाब से क्या वैल्यू चल रही है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंट्रो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे दोस्तों आप सबको पता है कि ये वाले जो कॉइन है, देखिए दोस्तों ये BUNC के कॉइन रखे हुए हैं सब, ये दोस्तों जो कॉइन आए थे 2011 से दोस्तों 2019 में आए हैं फ्लावर वाले डिजाइन के, ठीक है। इनका जो मेटल है दोस्तों वो स्टेनलेस स्टील है, ठीक है, FSSB इनको बोला जाता है। वेट दोस्तों 5 ग्राम है, मतलब 4.9 ग्राम, ठीक है। साइज इसका दोस्तों 25 mm है, थिकनेस इसकी 1.54 mm है, शेप इसकी राउंड है, ठीक है दोस्तों। ऐसे जो भी कॉइन आए थे दोस्तों इन सबका एजिस है स्मूथ और रेडेड, ठीक है। एजिस आपको मैं पिक्स लगा रहा हूँ वो भी देख लीजिए, और स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ये प्लेन है, इसमें दोस्तों रेडेड भी आते हैं, ठीक है कुछ। तो ऐसा ना समझना कि ये रेयर हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है, इसमें ये दोनों एजेस आते हैं। अब दोस्तों इसमें कुछ लोयन वैरायटी आती है, वो भी मैंने आपको वीडियो में बताई है, क्योंकि लोयन की दोस्तों म्यूल पे मैंने अलग वीडियो बनाई थी, ठीक है। उसमें मैंने कुछ म्यूल दोस्तों कवर करे थे, कुछ म्यूल नहीं करे थे, वो आज इस वीडियो में भी दोस्तों देखिए मैं एक दो कॉइन आपके लिए कवर कर दूंगा, ठीक है ना। ये लोयन देख लीजिए, टैप 2 टैप 1 भी आते हैं। 2017 में दोस्तों इसमें मैंने आपको बताया था कि म्यूल आता है हैदराबाद मिंट की तरफ से दोस्तों, ये आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। मगर दोस्तों इसमें एक बात आपको मैंने नहीं बताई थी, वो इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। इसमें इससे भी महंगा एक म्यूल आता है, ये तो दोस्तों कुछ भी नहीं है जो वो महंगा म्यूल है, ठीक है। उसको पूरी वीडियो आप देखेंगे, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, पहले आप मिंट के हिसाब से कौन से कॉइन आपको रखने चाहिए उस पर जानकारी ले लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों 2011 से शुरू कर रहा हूँ, ठीक से समझ लेना, लिख लेना या डाउनलोड कर लीजिए वीडियो या रिकॉर्ड कर लीजिए, जो भी आपको ऑप्शन है वो कर लीजिए, ठीक है, फायदेमंद रहेगी आपके लिए। दोस्तों सबसे पहले मैं 2011 कवर कर रहा हूँ, जो कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट और दोस्तों मुंबई मिंट में आए, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको कौन सा अपने कलेक्शन में रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ये आप समझ लीजिए कि इसमें दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ मुंबई मिंट अपने कलेक्शन में रखना चाहिए, ठीक है। काफी लो मिंटेज है दोस्तों, ये समझ लीजिए ये बने हैं सिर्फ और सिर्फ 1% कॉइन, ठीक है, 1% ही बने हैं। आप ढूंढेंगे दोस्तों जो बता रहा हूं ना, ये कम बने हैं, एक बार मार्केट में दोस्तों चेक करके देखना, ठीक है, मिलेंगे ही नहीं जो मैं इस टाइम बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मिलेंगे तो दोस्तों किसी कलेक्टर डीलर के पास ही मिल सकते हैं, इजीली आप ढूंढे लेंगे, आपको पता लगेगा, तभी उसकी वैल्यू आपको पता लगेगी। क्यों मैं ऐसे रेयर कॉइन आपको बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों वो आसानी से नहीं मिलेंगे, वही कीमती होते हैं, ठीक है। जो चीज मुश्किल से मिल रही है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ उस पर खास वजह है, क्योंकि वो बने ही कम है मिंट के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 2012 की बात कर लेते हैं, 2012 में दोस्तों आपको कोई भी इनमें चारों मिंटों में काम हुआ है, चारों में से किसी भी मिंट का आपको रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। म्यूल की बात नहीं कर रहा दोस्तों, इसमें म्यूल भी आता है, वो वीडियो आप चैनल पे आपको मिल जाएगी, बदेरी वीडियो डली हुई है मेरी इस पे, ठीक है, इसमें बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। 2012 तक हमने कवर कर लिए हैं। अब दोस्तों काफी ज्यादा दोस्तों सब्सक्राइबरों की है ना डिमांड आ रही थी,
सर बेस्ट ऑफ बेस्ट हमें बताइए मैग्नीफाइंग ग्लास कौन से रखने चाहिए, किससे हम अपने मिंट एक सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ भाई ये जो मेरे कलेक्शन में है वो मुंबई मिंट नहीं नोएडा मिंट ही है। ठीक है दोस्तों, काफी लोग को चूना लग चुका है क्योंकि मिंट की उनको नॉलेज नहीं हो पाती, आंखों से दोस्तों इतनी छोटी मिंट देखी नहीं जा सकती। ठीक है, उसके लिए दोस्तों सबसे सुपर बेस्ट मैं जो बता रहा हूं आपको ये है दोस्तों वो मैग्नीफाइंग ग्लास, जो आपको अपने एक दोस्तों आपको अपने पॉकेट में जरूर रखना चाहिए अगर दोस्तों आप इस हॉबीज का काम कर रहे हैं तो। ठीक है, आपकी कॉइन्स की हॉबीज है दोस्तों, एक मैग्नीफाइंग ग्लास आपकी जेब में जरूर होना चाहिए। ठीक है ना, उससे आप दोस्तों आसानी से उस मिंट का पता लगा सकते हैं। दोस्तों ये है वो मैग्नीफाइंग ग्लास, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बाहर के हैं दोस्तों, ये मैंने आप लोगों के लिए मंगाए हैं दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों सबसे बढ़िया मैग्नीफाइंग ग्लास में से एक है। ठीक है ना, टॉप के ब्रांड दोस्तों आपको पता है, टॉप के ब्रांड ही मैं ये दिखाता हूँ आपको अपने वीडियो में, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा आपके काम आएगा। दोस्तों इसमें टॉर्च भी है, जो मैं वीडियो अभी देखिए आपको पूरे चला के दिखा रहा हूं, ये दोस्तों 12 पीस है, इसमें दोस्तों टॉर्च के साथ साथ यूवी लाइट भी है। ठीक है, इजीली बहुत अच्छे से आप मिंट वेरीफाई कर सकते हैं नोएडा है या मुंबई है। ठीक है ना, अभी ये मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए एक बार, सारे के सारे दोस्तों चेक करके भी दिखा रहा हूं आपको, सब में दोस्तों सेल लगे हुए हैं। ठीक है, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आपके पास आएगा, रीजनेबल प्राइस पे दे दूंगा दोस्तों। आपको चाहिए तो आप प्राइस मेरे से व्हाट्सएप नंबर आपको ये शो हो रहा है, आप दोस्तों पूछ सकते हैं। ठीक है, बेस्ट प्राइस दूंगा पूरी मार्केट में दोस्तों, ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये आप देख लीजिए, अब दोस्तों मैं ये कॉइन चेक कर रहा हूँ, मिंट देख लीजिए 1989 दोस्तों 1 रुपीज का नोएडा मिंट का ये कॉइन है। ये देखिए मिंट कितनी दूर से दोस्तों कॉइन में दिखा रहा हूँ, और ये दूर से देखिए आपको इसको पास करेंगे तो दोस्तों बहुत बड़ी डॉट हो जाएगी। ठीक है, ये दोस्तों बेस्ट ऑफ बेस्ट मैग्नीफाइंग ग्लास है 30x60। ठीक है ना, ये देख लीजिए आप, इसमें स्विच ऑन ऑफ का भी दे रखा है, एलईडी लाइट आप बंद भी कर सकते हैं दिन के समय, रात के समय दोस्तों आप ऑन भी कर सकते हैं, यूवी लाइट हमेशा ऑन रहेगी। ठीक है, आपको अपने कलेक्शन के लिए चाहिए दोस्तों, जरूर ये एक पॉकेट में रखिए आप अगर आप इस हॉबीज में है तो, क्योंकि दोस्तों डेली बेसिस पे हमारे हाथ में चिल्लर आती है, आपको नहीं पता होता कि ये मिंट कैसे वेरीफाई की जाए, कैसे पता लगे स्टार है और मुंबई है और नोएडा है। मुंबई और नोएडा में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, कॉइन घिस जाता है तो पता नहीं लगता, फिर भी दोस्तों हम कलेक्टर हैं शुरू से दोस्तों, इस लाइन में हूँ, बचपन से हॉबीज है, तो मैं दोस्तों वेरीफाई कर लेता हूँ, एक ये मैं अपने पास भी रखता हूँ। ठीक है ना, ये बेस्ट ऑफ बेस्ट मैंने आपको बताया, ये वाला आप रख सकते हैं आपके पास। ठीक है, तो चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है, बुकिंग करवा सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 2012 तक हमने कवर कर लिया था, आप दोस्तों 13 में देखिए, 13 में दोस्तों आपको कौन सा रखना चाहिए, दोस्तों कलकत्ता मिंट, नोएडा मिंट, हैदराबाद मिंट और मुंबई मिंट, चारों ही मिंटों में काम हुआ है, चारों मिंटों में दोस्तों करोड़ों की तादाद में सिक्के छपे हैं, तो दोस्तों इसमें आपको एक रुपया भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। ठीक है, 2013 में फ्लावर डिजाइन जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, इनमें एक रुपया भी खर्च नहीं करना है आपको 2013 में, सब में करोड़ों की तादाद में सिक्के छपे हैं। ठीक है दोस्तों, 2014 में आते हैं, 2014 में दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ एक मिंट पे ध्यान देना है, चारों मिंटों में काम हुआ है, कलकत्ता, नोएडा और मुंबई। ठीक है, मुंबई ने दोस्तों 15% कॉइन छापे हैं और नोएडा मिंट ने दोस्तों 12% कॉइन छापे हैं, कलकत्ता मिंट ने दोस्तों 10% कॉइन छापे हैं। अब दोस्तों इसमें हैदराबाद मिंट है जिनने 3% काम किया है। ठीक है, 2014 आप पकड़ के रखिए, कहीं से भी मिलता है दोस्तों पैकेट, आप एक पैकेट जरूर अपने कलेक्शन में रख लीजिए। ठीक है, फ्यूचर बहुत अच्छा है दोस्तों। 2016 में आते हैं, 2016 में दोस्तों चारों ही मिंटों ने काम किया है, कलकत्ता, नोएडा, हैदराबाद और मुंबई, चारों ने करोड़ों की तादाद में सिक्के छापे हैं, आपको किसी में भी एक रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, इसमें भी एक म्यूल आता है, उसकी जानकारी दोस्तों वीडियो में मैं पहले दे चुका हूँ। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी इसमें दूंगा तो, आप बैक जाके चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगी तो आप देख लीजिए। ठीक है, 2017 में दोस्तों आते हैं, अब दोस्तों 2017 में ये सुनने वाली रहेगी आपको। ठीक है, पूरी अच्छे से इंफॉर्मेशन ले लेना, यहीं से कहानी दोस्तों शुरू हो रही है। तो कहानी क्या शुरू हो रही है, इसमें दोस्तों आपको कलेक्शन में रखने चाहिए दोस्तों चारों ही मिंट, इसमें कलेक्टेबल मिंट है। ठीक है, 2017 में, क्योंकि दोस्तों ये लास्ट सन था जब इसमें दोस्तों कट्टे में कॉइन आते थे। ठीक है, ये मेरे कलेक्शन में कट्टा है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
ठीक है, इसी कलेक्शन में दोस्तों ये कट्टा है मेरे पास। और दोस्तों इसमें मैं पहले आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दूं, सुन लो दोस्तों, कैलकटा मिंट ने जो काम किया है इसमें, वो काम किया है दोस्तों 6.5%, ठीक है। इसमें जो दोस्तों हैदराबाद मिंट ने काम किया है वो किया है 6%, और दोस्तों मुंबई मिंट ने काम किया है वो किया है 5%। अब दोस्तों इसमें नोएडा मिंट आती है, उसने काम किया दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2.5%, ठीक है। दोस्तों नोएडा मिंट आपको इसमें कलेक्शन में रखनी चाहिए, ठीक है। 2.5% सिक्के छापे हैं तो दोस्तों बहुत ज्यादा ये महंगा सिक्का हो जाता है आज की डेट में, क्योंकि दोस्तों ये पुराना हो गया है, 2017 का माल दोस्तों, ये समझ लीजिए कि सीधे सीधे 7 से 8 साल हो चुके हैं, ठीक है। और दोस्तों ये सबसे बड़ी बात, उस टाइम पैकेट में नहीं आते थे ये दोस्तों, बैग में आते थे। 2017 के बाद ही दोस्तों ये पैकेट में आना शुरू हुए 18 में, ठीक है। कईयों में 18 में सिक्के 17 और 18 के मिक्स भी आए हैं, वो भी देखा गया है। 18 वाले पैकेट में 17 के कॉइन भी मिक्स आए हैं, ठीक है ना। वो रेयर कैटेगरी के हो गए वो पैकेट भी, वो मेरे पास है नहीं अवेलेबल, उसके लिए प्लीज मैसेज मत करना। 2017 के हैं मेरे पास नोएडा मिंट के, ठीक है। पहले बैग में आते थे दोस्तों, 2500 कॉइन का बैग है मेरे पास, उसमें दोस्तों मैंने खोला है, उसमें 100% गारंटी है मेरी, जिसके नाम का पैकेट होगा एक भी इसमें कॉइन छेड़छाड़ नहीं करी हमने, कोई भी कॉइन निकाला नहीं है, ठीक है। इसकी दोस्तों मैं पूरी गारंटी लूंगा, मैं दोस्तों बहुत ईमानदार हूं, साफ बोलता हूं, सुखी रहना। इसमें एरर भी हो सकता है, ओएमएस भी हो सकता है, म्यूल भी हो सकता है, कुछ भी दोस्तों हो सकता है। ये है कि लड़के को लगा रखा है, काउंटिंग करे बिना आग बंद करे, ठीक है ना, सिर्फ काउंटिंग करे, देखना नहीं है कॉइन को, क्योंकि सबको पता है ये 2017 का बैग निकला है, 17 में दोस्तों नोएडा मिंट है। अब इसमें ये है कि एरर भी हो सकता है कितना बड़ा भी, या डबल स्ट्रक भी लग सकती है, ओएमएस भी बन सकता है, म्यूल भी बन सकता है, ठीक है दोस्तों। 100 कॉइन गिन रहा है लड़का, एक एक पैकेट में पैक कर रहा है, ठीक है। अब वो आपकी दोस्तों गुड लक है, आपकी किस्मत है, किस्मत अजमा लीजिए। ये पैकेट दोस्तों आपको रीजनेबल प्राइस पे मेरे पे मिल जाएगा, 100 कॉइन का पैकेट बनाया है हमने, ठीक है ना। तो दोस्तों इस बैग में 2500 कॉइन निकले, मतलब 25 पैकेट है, मगर दोस्तों 10 ही मैं सेल कर दूंगा, ठीक है ना। 10 आप सब्सक्राइबर में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, रीजनेबल प्राइस पे दोस्तों आज मेरे पास मिल जाएंगे, आप मार्केट चेक कर लेना, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है नोएडा मिंट का ये सिक्का 2017 का, ठीक है दोस्तों। फिर भी आपको चाहिए अपने कलेक्शन के लिए तो ये आप मुझसे रीजनेबल प्राइस पे दोस्तों ले सकते हैं, ठीक है। आज मिल जाएगा दोस्तों मार्केट में, आप चेक कर लेना, ये फ्यूचर में नहीं मिलेगा, फ्यूचर काफी अच्छा है इसका, 2.5% ही बने हैं दोस्तों बस, ठीक है। अब 2018 में आते हैं दोस्तों, इससे पहले दोस्तों 2018 में जाए, 2017 में दोस्तों एक म्यूल आता है, उसकी भी जानकारी ले लीजिए। ये दोस्तों एक ऐप पे देख लीजिए, नोएडा मिंट की तरफ से स्मॉल लॉयन है, देख लीजिए बैक साइड में, इसमें आपको पता है फैटी लॉयन होते हैं दोस्तों, ये स्मॉल लॉयन है, ठीक है ना। ये दोस्तों एक रेयर कैटेगरी का कॉइन है, इसमें दोस्तों ये देख लीजिए कितने का सेल हो रहा है दोस्तों, इसमें जो सेल हो रहा है उसमें है ना बोथ साइड लॉयन भी है, ठीक है, डाई क्रैश एरर भी है, तो दोस्तों इसलिए ये 22,000 रुपये का सेल कर रहा है। मगर दोस्तों ये नोएडा मिंट की तरफ से एक्सट्रीमली रेयर नोएडा मिंट की तरफ से म्यूल आता है, तो दोस्तों ये BUNC में, इस वाले में मिल गया आपको पैकेट में, तो दोस्तों इसकी कॉइन की कीमत ही दोस्तों 20,000 रुपये है, ठीक है ना, एक ही सिक्के की कीमत, पूरी गारंटी है। एक भी कॉइन दोस्तों मेरे पास से, कोई भी आपका पैकेट बनेगा उसमें कोई चेक नहीं होता, ठीक है ना, वैसे का वैसे पैकेट आपको पहुंचेगा, 10 ही पैकेट है सेलिंग के लिए, बाकी दोस्तों 15 पैकेट मैं भी होल्ड रख रहा हूँ, ठीक है ना, 15 ही पैकेट बचेंगे बस मेरे पास भी, वही मैं फ्यूचर के लिए होल्ड रखूंगा, ठीक है दोस्तों। इसमें मैंने आपको म्यूल भी ये दिखा दिया, सेल हो रहा है दोस्तों 22,000 में, मगर दोस्तों इसमें कई एरर भी है, तो ये समझ लीजिए BUNC भी नहीं है वो, BUNC के सिक्के की इसमें म्यूल में दोस्तों 20,000 रुपये आज की डेट में वैल्यू चल रही है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से देख लीजिए पैकेट, ये दोस्तों सेल हो रहे हैं, ये देखिए एक ही बंदे ने डाला है, 500 पीस इसके पास अवेलेबल है दोस्तों, ये सेल हो चुके हैं, ठीक है ना, बहुत पुराने टाइम में ये सेल कर चुके हैं लोग। अब दोस्तों काफी ज्यादा खास है, इसी तरीके के दोस्तों पैकेट हम बना के आपको देंगे, ठीक है, ये पैकेट आप देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये आते ही कट्टे में है उस टाइम 2017 में, और 2.5% ही बने हैं बस नोएडा मिंट की तरफ से, काफी ज्यादा दोस्तों फ्यूचर में काफी रेयर कॉइन हो जाएगा 2017 का। अब दोस्तों 2018 पे आते हैं, 2018 में भी दोस्तों म्यूल आते हैं, ठीक है।
आप दोस्तों 2018 पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं से भी आपको पैकेट मिले। दोस्तों मेरे पास म्यूल पैकेट अवेलेबल हैं 2018 के, ठीक है। आपको चाहिए तो दोस्तों आप कीमत पता कर सकते हैं। एक म्यूल की मैं कीमत बता देता हूं आपको, सिंगल पीस जो मिलता है वो दोस्तों 120 से 150 रुपए के बीच में आजकल बिक रहे हैं, ठीक है। मगर पैकेट चाहिए, पैकेट आपको दोस्तों रीजनेबल प्राइस पे मेरे पास से मिल जाएंगे। म्यूल पैकेट 2018 के दोस्तों अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। 2019 में दोस्तों यही फ्लावर वाला डिजाइन, चारों ही मिंट आपको कलेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। 17, 18, 19 ये समझ लीजिए, इनकी चारों चारों मिंट आपके पास एक एक पैकेट होना चाहिए अगर आप इसमें कलेक्शन कर रहे हैं तो, ठीक है। आप लोगों की दोस्तों डिमांड पे फ्लावर वाली वीडियो आप चाहते थे, तो दोस्तों मैंने फ्लावर वाली वीडियो बनाई है और पूरी इंफॉर्मेशन दी है दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको दोस्तों मैंने बीच में मैग्नीफाइंग ग्लास की भी इंफॉर्मेशन दे दी है, जो कि दोस्तों आपको फ्यूचर में काफी अच्छा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है ना। उससे आप अच्छे से मिंट वेरीफाई कर सकते हैं। ये कॉइन भी दोस्तों आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। अब इसमें दोस्तों 2018 और 2017 के पैकेट मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है ना। यही दो मिल पाएंगे, 2017 नोएडा और 2018 के दोस्तों म्यूल, ठीक है। बाकी दोस्तों मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, जो मैंने बताया आप कहीं और से ले सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर करना दोस्तों, काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए, तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे को, ठीक है। आपको मेरी वीडियो जैसे मैं बनाता हूँ आपको फायदा होता है, और दोस्तों आप कौन कौन से शहर से मेरी वीडियो वॉच करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।